छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अजीत जोगी की जाति संबंधी याचिका खारिज होने पर याचिकाकर्ता संत कुमार नेताम ने कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मसला खत्म हो गया है, हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी। कोर्ट ने 2013 में लगी याचिका पर फैसला लिया है, लेकिन 2019 में एक फैसला राज्य सरकार की हाई पावर कमेटी का भी आ चुका है, जिसमें जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया गया था। कमेटी की इसी रिपोर्ट में स्वर्गीय अजीत जोगी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। इस मामले की जांच जारी है। वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के खिलाफ जिला स्तरीय छानबीन समिति की जांच भी जारी है। स्वर्गीय अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र का मैं प्रमुख शिकायत करता हूं, जो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा दायर करता रहा हूं। 2019 का जो वर्तमान जो रिपोर्ट है अभी लागू है, जिस पर अजीत जोगी के खिलाफ में वहाँ के कलेक्टर बिलासपुर ने FIR दर्ज किया हुआ है और उस पर कार्रवाई जारी है, और हाईपर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी